आज हम देखने वाले हैं सर्जिकल स्कार। सर्जिकल स्कार मीन्स जब आपके ऑपरेशन होता है तो ऑपरेशन के द्वारा वहाँ पर आपकी कटिंग की जाती है। कटिंग के बाद वहाँ पर आपको सूचिंग कर दी जाती है और उसी सूचर के निशान जो आपको बाद में दिखाई देते हैं, जो कि कॉस्मेटिकली बुरे भी लगते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि सर्जिकल स्कार को किस तरह से आप फिजियोथेरेपी कुछ टेक्निक के द्वारा कैसे रिमूव कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड यहाँ पर कई लोगों के कमेंट्स भी है कि सर हमें आप जो हमें सर्जिकल स्कार हुआ है, किसी को जैसे कि मान के चलो नीचे इंजुरी हुई थी वहाँ पर उसको सर्जरी की गई, उसके अलावा किसी को एल्बो, किसी को यहाँ पर क्लेविकल की सर्जरी हुई, तो वहाँ पर कुछ स्कार जैसे कि जो कॉस्मेटिकली दिखाई देते हैं वो सामने वाले को बुरे लगते हैं, तो उन्हें किस तरह से रिमूव कर सकते हैं वो फिजियोथेरेपी के द्वारा, और वहाँ पर कौन कौन सी ऐसी टेक्निक यूज़ की जाती है जिससे सर्जिकल स्कार को हम लगभग काफ़ी हद तक ठीक किया जा सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पूरा सर्जिकल स्कार है, यहाँ पर इनको सर्जरी की गई, सर्जरी के द्वारा यहाँ पर प्लेटिंग वगैरह की गई। अब ये जो सर्जिकल स्कार आपको दिख रहा है, अब कॉस्मेटिकली जैसे कि मान के चलो ये आपके क्लेविकल पे है तो वो ओपन में दिखाई देता है तो वो बुरा लगता है। जनरली ये तो ठीक है, पेंट वगैरह में दब जाएगा, लेकिन हम इसको कैसे रिमूव करेंगे उसे हम सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट अप्लाई करने के बाद हम यहाँ पर थम का यूज़ करेंगे और यहाँ पर करेंगे डीप फ्रिक्शन मसाज। जैसे कि आप थम का यूज़ करके इसको डीप फ्रिक्शन मसाज सर्कुलर मैनर में करेंगे, या आपके 2 से 3 मिनट की हो सकती है, और आप 2-3 मिनट करके फिर एक दो मिनट का रेस्ट करें और फिर से इसे दोबारा करना है। तो एक दो मिनट के लिए या 2 से 3 मिनट के लिए इसको करेंगे कंटिन्यू, उसके आने फिर 2-3 मिनट का या फिर 1-2 मिनट का आप रेस्ट करेंगे, तो उसके आने फिर से करेंगे हम कंटिन्यू, यानी डीप फ्रिक्शन मसाज सर्कुलर मैनर में। फ्रेंड ये तो चाहिए आपकी डीप फ्रिक्शन मसाज जो कि हमने करी सर्कुलर मैनर में थंब के द्वारा। उसके अलावा आप चाहे तो 2 फिंगर का यूज़ करके वहाँ पर भी डीप फ्रिक्शन मसाज सर्कुलर मैनर में आप कर सकते हैं, जो आपकी रहेगी 2 से 3 मिनट की, उसके आने आपको रेस्ट करना है 1 से 2 मिनट का, फिर उसके आने फिर से हमें कंटिन्यू करना है। कहीं ऐसा नहीं हो आप एक तो कंटिन्यू करने के चक्कर में कहीं स्किन को छोड़ कर बैठे हैं, तो उसकी वजह से यहाँ बहुत सी बार पेन बनने लगता है, तो आप इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। उसके अलावा हम सेकंड करेंगे इसको स्ट्रेच। अब स्ट्रेच में क्या हो, जैसे कि आपको दिख रहा है ये सीधी सी लाइन दिख रही है, अब लाइन के दोनों साइड में लेकर इसको स्ट्रेच करना है अपोजिट डायरेक्शन में। इसमें आप थंब का यूज़ करेंगे, थंब का यूज़ करके आपको या 10-12-15 जितना चाहे उतना कर सकते हैं। फिर इसके बाद जिस तरह से आप फ्रिक्शन लेते हुए आपको इसको स्ट्रेच कर रहे थे, अब यहाँ पर कंटिन्यू आपको स्ट्रेच करना है, या आपके 10 से 15 सेकंड का स्ट्रेच बना हुआ रहेगा, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ें, फिर वहाँ पर स्ट्रेच करें 15 सेकंड के लिए स्ट्रेच करें, फिर ढीला छोड़ दें, फिर 15 सेकंड के लिए स्ट्रेच करें, फिर ढीला छोड़ दें। ऐसे आप 3 से 4 बार रिपीटेशन कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर हम करेंगे रोलिंग। अब रोलिंग में इस तरह से आपको मसल को उठाना है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये मसल उठे, इस तरह से उठा के इस तरह से आपको मसल को उठाना है, तो ये आपकी रोलिंग रहेगी। इसी तरह से आप मसल को सेक करके यानी पकड़ के उसको इस तरह से आप सेक कर सकते हैं। यहाँ पर हमने ऑयल अप्लाई कर दिया जिसकी वजह से थोड़ी मसल की ग्रिप बनाने में हमें दिक्कत हो रही है, बाकी आप आराम से जैसे मसल को करें और फिर उसके आने इसको सेक करें। एक तो मसल रोलिंग, ये आपकी रोलिंग हो गई, और ये मसल सेकिंग। इसके बाद में यहाँ पर हम यूज़ करें ISTM टूल का, जो कि फेशियल रिलीज और साथ है जो आपकी स्कार है उसको भी रिलीज करने में हेल्प करेंगे। तो हमने यहाँ पर जेल लगाया यानी क्रीम, उसके बाद में इसको धीरे धीरे धीरे, इससे एक तो फेशिया भी रिलीज़ होगा और साथ में आपका स्कार की जो टाइटनेस है वो भी रिड्यूस होगी। अब यहाँ हम करेंगे कपिंग थेरेपी। ये सक्शन कर लिया, सक्शन करने के बाद में इसको हम करेंगे नीचे की ओर ले जाएंगे और ऊपर की ओर लेके जाएंगे, फिर छोड़ देंगे, फिर से थोड़ी देर इसको रोकेंगे, फिर उसके बाद में ऊपर लेके जाएंगे, फिर कुछ देर के लिए छोड़ देंगे, फिर इसको इस तरह से ऊपर नीचे हम आराम से लेके जाएंगे। इससे यहाँ का एक तो सर्कुलेशन में इम्प्रूव होगा, जो स्कार की जो टाइटनेस है वो भी काफ़ी हद तक कम होगी। यहाँ पर बाल होने की वजह से ये अभी खुल चुका था, बाकी सबसे पहले यहाँ पर बाल रिमूव किए जाते हैं, उसके आने फिर यहाँ पर कप अप्लाई किया जाता है।
आप देख सकते हैं कि ये हमारी 5 मिनट के प्रोसीजर में देखें आप, यहाँ पर सर्कुलेशन इम्प्रूव हो चुका है, इस कार में थोड़ा सा लूज बना है, सॉफ्टनेस यहाँ पर बनी है। तो धीरे धीरे इस तरह के प्रोसीजर अपनाने से हम इस कार को काफ़ी हद तक ख़त्म कर सकते हैं। फ्रेंड, जैसे कि आपने देखा जो हमारे शरीर में सर्जिकल स्कार होते हैं उन्हें आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपको ISTM टूल नहीं मिल पाएगा, उसके अलावा आपको कपिंग थेरेपी नहीं मिल जाए, जो आपको मैंने मैनुअल थेरेपी बताई जैसे कि डीप फ्लेक्शन मसाज करना, उसके अलावा यहाँ पर जैसे कि उसको रोलिंग किस तरह से हमने मसल्स को रोल किया, उसके अलावा वहाँ पर किस तरह से शेकिंग करी, वहाँ पर किस तरह से स्ट्रेच किया, अगर उन चीज़ों को फॉलो करते हो तो आप within 7 days में काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। उसके अलावा फ्रेंड, यहाँ पर कुछ लोगों के सवाल भी होंगे, सर इन स्कार को कितने दिन में रिमूव किया जा सकता है? तो फ्रेंड, यहाँ पर यह कहना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि सभी स्कार अलग अलग तरीके के होते हैं। कुछ यहाँ पर काफ़ी डीपली होते हैं, कुछ सुपरफिशियल होते हैं, कुछ स्टिक्स के मार्क्स होते हैं, तो उन सब का ड्यूरेशन अलग अलग होता है। सो यहाँ पर बताई गई आप हर बात को फॉलो करेंगे तो आपको within 7 days बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, आपके कोई भी कमेंट्स क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।